हरिओम, मेरा नाम प्रियावीरा नाइक है। मैं अंधेरी पश्चिम उपासना केंद्र में जाती हूँ। मैं दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में गए 17 साल से कार्यरत हूँ। 1997 में मुझे बापू के पास आने का योग मिला। मेरी बहन अक्षता वीरा आचरेकर, इसकी वजह से मैं बापू के पास आने लगी। और खरा सद्गुरु क्या होता है ये मुझे बापू के पास आने के बाद ही पता चला। बापू ने तो मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। खरे सद्गुरु के पास आने के पहले और उसके बाद के जीवन में जो अंतर है, वो पूरा प्रवास मेरा बापू ने सुखकर कर दिया। और मुझे पता चला कि हम लोग जो जीवन जी रहे हैं उसमें और बापू के पास आने के बाद अपने जीवन में कितना बदलाव है, ये इसके अनेक अनुभव मैंने अभी तक लिए हैं। उसमें से कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बापू कृपा से मुझे 1997 से यहाँ पे आने का योग मिला। धीरे धीरे बापू के प्रवचन, बाद में ADM कोर्स, पंचशील परीक्षा, बापू ने हर उपक्रम में मुझे उपक्रम का लाभ उठाने की मुझे संधि दी और मेरा जीवन ही बदल गया। 1999 में मेरा विवाह हुआ और उसके बाद में थोड़ा बापू के पास आने का कम हुआ हर गुरुवार। लेकिन मन में इच्छा रहती थी, ये गुरुवार प्रवचन को जाओ, वो गुरुवार प्रवचन को जाओ, क्योंकि जब तक बापू के बोल सुन न ले, दिल को तसल्ली ना मिलती थी। हर बापू का हर एक शब्द एक अनुभव ही था। मैं सन 2000 में माँ बनी बापू की कृपा से। लेकिन अपना प्रारब्ध अपने साथ ही चलता है, लेकिन अपने प्रारब्ध से बड़ा अपना सद्गुरु होता है। इसका एक अनुभव मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब मेरी डिलीवरी हुई तो वो सिजेरियन हुई। मेरे बच्चे ने पेट में ही मोशन कर दिया था, उसके हार्ट बीट कम हो रहे थे। डॉक्टर ने हम लोग को तुरंत उसको दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा ऐसा बोला। मैं तो बापू का नाम ही जपती रही, बापू अभी तू ही मेरे बच्चे को संभाल। दादा के पास हमारे कुटुंब परिवार के आए सदस्य आए। दादा ने आश्वासन दिया, थोड़ा थोड़ा धीरज रखिए, कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। और उसी अनुरूप सब ठीक हो गया और मेरा बच्चा मेरे पास सुखरूप आ गया। सच में मैं बापू की बहुत अंबदनीय हूँ। बाद में मेरे लाइफ का एकदम टर्निंग पॉइंट जो आपसे मैं बहुत बहुमूल्य है मेरे आयुष्य में, वो है नंदाई ने मुझे आत्मबल के लिए सिलेक्ट किया। आत्मबल मिला तो सब जीवन मिल गया। नंदाई ने उसके प्यार से मेरे जीवन में जो कमी थी वो पूरी कर दी। आई को तो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकती कि आई क्या है, आई का प्यार क्या है। आई तो बस आई है, वो विश्व माहौल है, वो जगत जननी है। उसने पूरी तरह से एक पूर्ण स्त्री का आकार मुझे दिया। एक माता पत्नी कैसी होनी चाहिए, पूर्ण उसके पूरे प्यार से उसने मेरा जीवन भर दिया। आत्मबल उपक्रम होने के बाद नंदाई एक दिन ख्वाब में आई। नंदाई कभी मेरे ख्वाब में आ सकती है, इसका तो मुझे ख्वाब में भी ख्याल नहीं आया था। लेकिन नंदाई ख्वाब में आई और उसने मुझे तुझे बेटी होगी ऐसा आश्वासन दिया। अभी तो बेटा बड़ा होने लगा था, अभी हमारा ऐसा कुछ विचार नहीं था। अभी बापू की संस्था, बापू के कार्य और भक्ति मार्ग में अपना विकास, यही मेरे आयुष्य का ध्येय हो गया था। लेकिन नंदाई का शब्द है तो वो तो करके ही रहने वाली थी। उसने और उस आत्मबल का वार्षिक स्नेह सम्मेलन होने के अगले महीने में ही मैं प्रेग्नेंट रह गई। और उसने मुझे उसके शब्द के अनुसार उसने मुझे बेटी दे दी। एक बेटा बेटी हमारा कुटुंब बापू ने पूरा कर दिया। सच में बापू आई हमेशा मेरे जीवन में, मेरा समय जब भी उचित था तभी मुझे सब देते गए। हम लोग ही हमारे मार्ग से हटते हैं, लेकिन आई बापू कभी अपने बालकों को कभी
कभी अपने बालकों का त्याग नहीं करते, वो हमेशा उनको उनके मार्गों पर लाने की कोशिश करते ही रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद मेरा परिवार सेटल जैसा हो रहा था और एक नई संकट मेरे सामने खड़ा था। लेकिन संकट कितना भी बड़ा हो, मेरे आई बापू दादा वो संकट से भी बड़े हैं। मेरे मिस्टर प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हम लोग ने इन्वेस्टमेंट करके पुणे में एक फ्लैट लिया है। वो फ्लैट का इंस्टॉलमेंट, घर के सब खर्च, दो बच्चे और मेरे मिस्टर के जॉब का प्रॉब्लम, सब ये कैसे मैं कर पाई? बस और बस बापू की कृपा मेरे पे थी, इसके लिए वो सब मैं निभा पाई। हम लोग दादा के पास है। दादा के बारे में भी क्या बोलूँ आपको, दादा तो सच में निरंतर अनिरुद्ध ध्यास उनका चालू ही रहता है। जब भी दादा के केबिन में गए तो उन्होंने इतनी आश्वासक शब्दों में हरिओम किया, तो प्रॉब्लम क्या है वही हम लोग भूल गए एक क्षण में। वो प्रॉब्लम की तीव्रता ही कम हो जाती है जब दादा प्यार से अपने को आश्वासन देते हैं कि आप कुछ चिंता मत करो। दादा ने हमें एक उपासना भी दी, हम लोग ने वो उपासना की और दादा के शब्दों अनुसार थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। और सच में आपको बताऊँ, दो बहनों में बापू आई दाऊ ने सब चक्र हिला दिए और मेरे पति को दूसरा जॉब मिल गया, वो जॉब में सेटल हो गए। सच में आई बापू दादा, अगर आप मेरे जीवन में नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे आयुष्य इतना समर्थ रूप से जी पाती। हाँ, हर किसी को ये तीनों के चरण मिले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। एक बार हम लोग कुरुक्षेत्रम में जब चंडिका आई की स्थापना हुई थी, तभी हम लोग वो दौरान दर्शन ले रहे आ रहे थे। मेरे कान की सोने की बाली की फिरकी उधर घर में ही गिर गई। हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें आरती के लिए भी आने का था, तो हम लोग ने जल्दी जल्दी से घर से निकल गए। मैं, मेरी बहन, मैं उसका कुटुंब, हम लोग सब साथ में ही निकले। रास्ते में कुरुक्षेत्र में आते समय एक साइकिल वाले से धड़क गई और एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बापू कृपा से सब वहाँ वहीं पे ठीक हो गया। ज़्यादा कुछ उसे ही लगा नहीं और हमें भी उसने ज़्यादा कुछ परेशान नहीं किया। हम लोग आए तो देखते हैं क्या, कुरुक्षेत्र में आई बापू दादा तीनों आरती के लिए आए थे। हमें तीनों का और चंडिका आई का, मोठी आई का आशीर्वाद सब मिल गया। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, घर में जाने के बाद वो सोने की बाली की जो फिरकी मेरी गिरी थी वो मुझे सामने ही दिखाई दी। जो घर से निकलते हुए मैं इतनी ढूंढी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी, मानो कि मेरे बापू आई ने मेरे लिए वो सामने ही रखी थी। सच में हर दिन, हर क्षण, हर पल हाँ बापू की कृपा का अनुभव ही है। मैं और मेरा पूर्ण कुटुंब बापू के सदैव अम्बद्य है, सदैव ऋणी है कि अगर वो तीनों मेरे घर अगर जीवन में है तो सब सुख लहे तुम्हारी रसना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज मैं और मेरा पूर्ण कुटुंब बापू के चरण में हमारा जीवन समर्पित करते हैं और विश्व के सब श्रद्धावानों को, सभी लोगों को बापू के, आई के, दादा के चरण मिले, मोठी आई का आशीर्वाद मिले, यही मैं बापू चरणी प्रार्थना करती हूँ। जन्मों जन्म हमें बापू के चरण मिले, हम उनके वानर सैनिक ही बने, यही मेरी इच्छा है। मैं अम्बद्य हूँ, हम अम्बद्य हैं, वी लव यू डैड वेरी मच फॉर एवर। हरिओम।